ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज विप्लव फेस्टिवल का लास्ट डे है और ये लास्ट कंक्लूडिंग इवेंट है। तो पिछले तीन दिनों में आप सब ने महान संतों के मुखारविंद से जीवन को परिवर्तन कर देने वाले सुंदर उपदेश सुने और मुझे पूरी उम्मीद है कि संतों के ये संदेश जो हैं वो हमारे चित्त को परिवर्तित करेंगे, उसमें सुधार आएगा और हम अपने चित्त को शुद्ध करके परम आनंद के मार्ग पर प्रगति कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस चर्चा करना चाहूँगा कि हमने इन तीन दिनों में क्या सीखा ना? टाइम फॉर एक्शन। बहुत हमने बहुत कुछ सुना, यस और नो? नहीं सुना, ओके, बहुत कुछ सुने। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पिछले तीन दिनों में आप सब ने जो सुना उसमें क्या सीखने को क्या मिला आपको, क्या ऐसी कोई एक पॉइंट कोई बताना चाहेंगे जो आप यहाँ से लेके जाएंगे और जाकर अपने जीवन में उतारेंगे हैं? एनीवन कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे? एक पॉइंट, हाँ, एक है, ये क्या है? हैं? फोकस, फोकस, हैं? किस पे फोकस करेंगे? माया पे? फोकस का कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। फोकस किसके ऊपर? प्रभु जी स्टडीज पे और कृष्ण पे। स्टडी और कृष्ण पर, ओके गुड, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु। तो आप में से कितने लोग सीखे फोकस? ओके वेरी गुड। एक ही है कुरुनंदना, वेरी गुड। और अब बताइए दूसरा, किसके पास माइक वही बता पाएगा, चाहे हाथ कोई भी उठाए। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, तिलक लगाना है और अपनी वैदिक संस्कृति को बढ़ावा देना। तिलक लगाना, वेरी गुड, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो आप लोग में कितने लोग तिलक लगाएंगे यहाँ से जाने के बाद? सब लोग लगाएंगे, वेरी गुड ना। तिलक हमारी पहचान है, क्या है? पहचान है ना। बिना तिलक के आपको कॉलेज में
एडमिशन नहीं मिले, ठीक है। तो तिलक देखने से, तिलक क्या है, भगवान कृष्ण के दो चरण हैं जिसको मस्तक पर धारण करते हैं भक्त लोग। ये तिलक देख के ही एंट्री मिलती है पंडाल में और भगवान के धाम में भी। गुड, नेक्स्ट। बीच में जब मैं बोलता हूँ तो आप तब तक माइक पहुँचा दिएगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए, वेरी गुड, ऐसे ऐसे ही बोला करो आप लोग, ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं। इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ डिवोटीज नेक्स्ट ईयर एंड कंप्लीट अवर टारगेट फॉर 10,000 डिवोटीज। हरि बोल, दैट्स गुड, डबल इट। कहते कि जब तक, बोलिए, जब तक, ऐसे इतना इतना धीरे नहीं, जोर से, जब तक एक भक्त नहीं बनाएंगे तब तक नया साल नहीं मनाएंगे। पक्का? नो हैप्पी न्यू ईयर। जब तक एक भक्त नहीं बनाएंगे तब तक नया साल नहीं मनाएंगे। न्यू ईयर नहीं लिखा, हैप्पी न्यू ईयर नहीं, अनहैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा। अगर आप नए साल को हैप्पी बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डबल इट, एक भक्त बनाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। व्हाट एल्स, एनीवन एल्स, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैंने यहाँ से ये सीखा कि कैसे हमारी वैदिक कल्चर इतनी पॉजिटिव है और इतनी अच्छी है कि हम इसको फॉलो करके हम अपने देश की सोने की चिड़िया वापस ला सकते हैं। बात मैंने यहाँ से ये सीखा। वेरी गुड, पॉजिटिव। हमारी वैदिक संस्कृति क्या है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है ना। इसका पालन करने से एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी हमारे लाइफ में, सोसाइटी में, पूरे वर्ल्ड में, है ना। पूरे वर्ल्ड, भारत को ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को सोने की चिड़िया बना सकते हैं, है ना। वेरी गुड। तो इसके लिए, इसलिए हम सबको चाहते हैं कि अगर संसार जो है, ये संसार में जब तक है तब तक चैन से रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वैदिक संस्कृति को क्या करना पड़ेगा, जोर से बोलिए। वैदिक संस्कृति को तो सबसे पहले तो अपनाना पड़ेगा, अपने जीवन में लाना पड़ेगा, है ना। तो ये नहीं कि छुप छुप के माला कर रहे हैं और छुप छुप के भक्ति कर रहे हैं, ये कोई लंका थोड़े ना है, विभीषण की तरह छुप के भक्ति करेंगे। आप भारत में हैं तो भारतवर्ष में छुपने की जरूरत, इसलिए इस ग्रेस राजश्याम प्रभु ने क्या बताया, करेज ऑफ कन्विक्शन, करेज। करेज का अर्थ क्या होता है, साहस। साहस का प्रदर्शन करना पड़ेगा हमें, शर्म नहीं आना चाहिए, है कि नहीं। शर्म नहीं आना चाहिए, हेजिटेशंस नहीं होने चाहिए, अपनी संस्कृति को पालन करने के लिए हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति शराब पब्लिक में पीता है, कोई व्यक्ति सिगरेट पब्लिक में पीता है, तो हम लोग पब्लिक में माला क्यों नहीं कर सकते। जब गलत काम पब्लिकली हो सकता है तो अच्छा काम प्राइवेटली क्यों। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, संकीर्तनम, बाहर निकलिए और संकीर्तन कीजिए, शर्माना नहीं है ना। संस्कृति कहते जो चीज दिखती है वो बिकती है, दिखती है वही बिकती है। जब तक हम दिखेंगे नहीं तब तक हम बिकेंगे नहीं। इसलिए धोती कुर्ता दिखाना बहुत अच्छा लगा। आप में से कितने लोग पहली बार धोती कुर्ता पहने, 3 दिन तक है, कैसा रहा एक्सपीरियंस, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस,
अच्छा लगा, वेरी गुड, थैंक यू। तो इसी तरह से प्रचार करना, शर्मा के नहीं, है ना, करेज, साहस के साथ, है ना। कोई हम गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं कि शर्माएंगे, छुपाएंगे, है ना। और नेक्स्ट क्या सीखा आपने? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी। मैं ये सीखा कि कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि आज यूथ क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रही है, लेकिन रियल टेक्नोलॉजी तो संस्कृति है हमारी, जिसको हम फॉलो करें तो हम इसको फॉलो करके हम ब्रह्मास्त्र बन सकते हैं। जैसे वेरी गुड। और यहाँ पर ब्रह्मास्त्र का एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो हमारे विवेक बिंद्रा जी हैं, और इसी तरह अगर हम अपनी संस्कृति को फॉलो करें तो हम भी ब्रह्मास्त्र बन सकते हैं और श्री भगवतंग के बारे में बहुत सारे लोगों को बता सकते हैं और उनको भी लाभ दे सकते हैं। यस, वेरी गुड। हरे कृष्ण बाबू जी। तो 6 महीने के बारे में विचार कीजिएगा, लेकिन ठीक है, गुड, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट क्या सीखा? नेक्स्ट संस्कृति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैंने सीखा इस भौतिक जगत में अपने तिलक को और अपने चंटी को, माला को सबके सामने प्रसारित करना है, शर्माना बिल्कुल नहीं है, और कम से कम प्रभु जी 1 साल के अंदर 5 लोगों को, ऐसे लोगों को भक्त बनाना है जिनकी इच्छा भक्ति में होती है, और प्रभु जी इनको पॉजिटिव शो दे के उनको भी बोलना है कि आप भी 5 भक्त बनाइए ताकि हमारे प्रभुपाद जी का सपना जो है वो पूरा हो सके बहुत जल्दी से जल्दी। जय, बहुत कुछ सीखा आपने, है दैट्स गुड। इसका मतलब है कि आप सब ध्यान से सुन रहे थे, दैट्स गुड। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम टू ऑल द सीनियर डिवोटीज प्रेजेंट हियर। द मोस्ट स्ट्राइकिंग पॉइंट वाज व्हेन वी टर्न आवर फेस अवे फ्रॉम द सन वी सी आवर शैडो, दैट्स द थिंग। व्हेन वी टर्न आवर फेस फ्रॉम द गॉड वी सी ब्लेमिशेस, द पॉइंट शेयर्ड बाय महाराज जी। एंड सेकेंड थिंग वॉज दैट आई वॉज थिंकिंग अबाउट मैनी टाइम्स दैट एज बींग अ स्टूडेंट हाउ वी कैन प्रीच आवर क्लासमेट्स एज वेल। सो in today's lecture I got the answer. Prabhu Maharaji told that simply ask themselves, are you chanting? Very good. They say, no, I am not chanting. Then why not you are not chanting? All my friends chant. That's the thing. How we can change the mindset of everyone. The thing was that. Hare Krishna. Hare Krishna. Very good. बहुत अच्छा बताया इन्होंने कि भक्ति विज्ञान महाराज ने बताया आज हम सबको फॉर्मूला, है ना, सीधा सीधा फॉर्मूला जो अनंत शांति प्रभु रसिया में प्रचार करने के दौरान जिस फॉर्मूला को यूज करते थे, है ना, तो उस फॉर्मूला को सीख लीजिए। बहुत अच्छा, थैंक यू। नेक्स्ट। यस, बहुत कुछ सीखा है आप सबने, इतने हाथ उठ रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैंने यहाँ से ये सीखा कि हमें गीता जरूर पढ़नी चाहिए, उसमें बहुत अच्छी अच्छी लर्निंग्स है। और प्रभु जी, मान लो कोई एक बार गीता खत्म कर देता है तो उसे बार बार दोहराना चाहिए, क्योंकि हर बार एक नई लर्निंग सीखने को मिलेगी। वेरी गुड, धन्यवाद प्रभु जी। हर बार 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 पढ़ना चाहिए, है ना, बार बार, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपका कम होता जाएगा 84 लाख योनि में भटकने का सर्कल। तो गीता को बार बार पढ़ना है ना, बार बार, और उसे हर बार पढ़ते हैं तो नई चीज सीखने को मिलती है। यस, नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, यहाँ पर ना मैं एक चीज ऑब्जर्व किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर वीडियो के द्वारा दिखाया गया था कि इस स्टेज को बनाने के लिए बहुत मेहनत किया गया था, तो यहाँ पर मैं एक चीज बहुत अच्छा चीज ऑब्जर्व किया हूँ कि अभी तक से कीचड़ में सिर्फ कमल का फूल उगता था, लेकिन आज इस कीचड़ में 5,000 यूथ उदय हुआ है। हाँ, वेरी गुड। हरे कृष्ण प्रभु जी। इतना सुंदर आपने एनालॉजी दिया, इट्स गुड। आप तो पोएटिक एबिलिटी है आपके अंदर। कीचड़ में कमल खिलता है, आज कीचड़ में विप्लव खिल रहा है ना। अब भक्त लोग कहीं कुछ भी खिला सकते हैं।
है ना, दैट्स गुड, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बात बताया. ओके, सो ये सारी चीज़ें हम सीख गए. कितने लोगों ने सीखा कि हमको चैंटिंग ध्यान से करना चाहिए? एनीवन? ओके, वेरी गुड. तो चैंटिंग ध्यान से कीजिए. कितने लोग 16 माला से कम करते हैं जब? वेरी गुड. तो अब इसको आप और अच्छा कर दीजिए. सो अगली बार से 16 माला होना चाहिए नेक्स्ट विप्लव में. तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए. वीडियो बनाइए. ओके, देखिए वीडियो बन गया. नेक्स्ट अगली बार 10,000 तो है, लेकिन अगली बार 16 माला. क्या अगली बार? वेरी गुड. तो अगले साल तक मैं हम ऐसा प्रयास करें कि यहाँ पे जितने यूथ हैं जो 16 माला से कम करते हैं वो अगले साल आते आते 2023 तक 16 माला पे आ जाएं. ठीक रहेगा? तो आप सब चाहते हैं कि भगवान की कृपा मिले हम सबको? तो भगवान की कृपा चाहते हैं, चाहते हैं कि वैदिक संस्कृति आगे बढ़े. तो उसके लिए सबसे अधिक जरूरी है कलयुग में क्या? हरिनाम संकीर्तन. क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति को कौन नष्ट कर रहा है? कौन नष्ट कर रहा है बताइए? ड्रामा में आपने नहीं देखा? यस, आइडिया मैन. करप्ट सिस्टम, करप्ट सिस्टम, जो कलयुग का प्रभाव से एक सिस्टम करप्ट हो रहा है कलयुग. और कलयुग को विशेष शक्ति मिला हुआ है, कलयुग में कलयुग को विशेष शक्ति मिला है सिस्टम को नष्ट करने के लिए, संस्कृति को भ्रष्ट करने के लिए. तो अगर आप चाहते हैं कि संस्कृति को बचाया जा सके तो इसको एक ही माध्यम से कलयुग को पराजित किया जा सकता है. कैसे बताइए? एक ही तरीका है, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम इव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा. बृहदारण्यक पुराण में बताया गया एकमात्र उपाय है, केवल एकमात्र उपाय क्या? हरेर नाम, भगवान का नाम. तो संस्कृति पे हम कितनी भी चर्चा कर ले, कितनी भी डिस्कशन कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन संस्कृति की रक्षा करनी है तो एकमात्र तरीका यही है, क्या? हरिनाम. केवल हरिनाम से कलयुग डरता है. कलि कुकूर कदन जदि चाहो रे, श्री सचिनंदन, श्री सचिनंदन, जय सचिनंदन गाओ रे. अगर चाहते हैं कि कलयुग कुत्ते को अगर आप भगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हरिनाम. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे. और श्रीमद् भागवतम. क्या? श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता ग्रंथों को पढ़ना. तो ये सारी चीज़ें हमने सीखा. और इस पूरे कार्यक्रम में गुरु परंपरा के आशीर्वाद से ही ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, गिरिराज जी के आशीर्वाद से और भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ. हम भगवान को और सारी गुरु परंपरा को धन्यवाद देना चाहेंगे, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं उन समस्त संतों का जो आए इस कार्यक्रम में, अपना बहुत कीमती समय दिया. इतने दूर दूर से मैं देख रहा था आप लोगों को, एक घंटे सुनने में कितना मुश्किल हो रहा था. कई लोग बाहर जाके अभी भी घूम रहे हैं, देखिए बैठ के सुनना. और इस एक घंटे के लिए संत लोग हजारों हजारों किलोमीटर से चल के यहाँ पर आए हैं ताकि हमको वो एक घंटा दे सके. और हम सब के अंदर देखिए हमको कितना मुश्किल होता है एक घंटे बैठ के सुनने के लिए.
हमको एक घंटा देने के लिए संत लोग इतने दूर दूर से आते हैं, है ना, तो हमको कितनी श्रद्धा से सुनना चाहिए, उन संतों के प्रति हमारे हृदय में कितनी श्रद्धा होनी चाहिए। तो मैं कृतज्ञता प्रकट करना चाहूँगा उन समस्त हमारे वरिष्ठ वैष्णवों के चरणों में कि वो आए यहाँ पर हम सबको सहयोग इंस्पायर करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए। जैसे आज देवकीनंदन प्रभु जी बता रहे थे कि हम एक घंटे प्रवचन देने के लिए 24 घंटे उनको ट्रैवलिंग करना पड़ा। तो क्या लगता है हमको कृतज्ञ होना चाहिए? यस, सो ग्रेटिट्यूड। और उन सारे ऑर्गेनाइजर्स जितने हैं यहाँ पे, जितने प्रीचर्स हैं जिन्होंने आप सबको भक्ति से जोड़ा, उन सारे प्रीचर्स को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, ऑर्गेनाइजर्स, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को, फेस्टिवल के ओवरऑल कोऑर्डिनेटर जय बावन देव प्रभु को, सबको, हमारे कुष्ठों के असिस्टेंट डायरेक्टर्स को, टेंपल प्रेसिडेंट्स जो आए हुए हैं, जो इस यूथ प्रीचिंग को इनकरेज कर रहे हैं अपने टेम्पल्स में, तो उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन इज, आर वी रियली एडवांसिंग? एक समाज में बहुत गलत धारणा बन रही है कि हम बहुत एडवांस कर रहे हैं, है ना, पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में आ गई है ना, 2G 3G 4G अभी तो 5G लॉन्च हो गया इंडिया में, है ना, कितना तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, इसमें से कोई ऐसा चीज़ है जिस आपके पास नहीं है? है, आप ढूंढिए, ये सब विज्ञान की देन है, दिस इज एडवांसमेंट, दिस इज ऑल आवर सो कॉल्ड एडवांस, वी से दिस इज, वी आर एडवांसिंग, यस। यूट्यूब है हमारे पास, फेसबुक, ये देखिए सारी चीज़ें, किंडल, हजारों लाखों करोड़ों किताबें आप अपनी किंडल में रख के पढ़ सकते हो, सो मच इन्फॉर्मेशन, अपॉर्चुनिटी, इतना इतना मौका है सीखने के लिए, आसान, सीखना आसान हो गया है कि नहीं? तो इतना एडवांसमेंट हो रहा है कि नहीं? सो मच एडवांसमेंट। ये देखिए, ये वीडियो आप देखते रहिएगा, इसमें पूरा फैक्ट्री जो है जहाँ पे मर्सिडीज कार बन रही है, इसमें एक भी व्यक्ति आपको नहीं दिखेगा, सारी की पूरी कार जो है वो मशीन द्वारा बनाई जा रही है, इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो रहा है ना, कौन कहेगा कि हम एडवांस नहीं कर रहे हैं? देखिए, सारे पूरी की पूरी कार मशीन बना रही है। In this video, you're going to see amazing advanced robots showing their capabilities. Amika, an advanced robot with more human-like, natural-looking expressions than any other robot in the world. Insan पीछे हो गया, रोबोट आगे हो गया, रोबोट की क्वालिटी इतनी अच्छी हो रही है, इंसान की क्वालिटी घटती जा रही है। कार है, देखिए, ऑटोमेटिक कार, ड्राइवर की जरूरत नहीं है अब, और कुछ समय के बाद मुझे लगता है कि इंसान की भी जरूरत नहीं रहेगी, है ना। एक तरह से अच्छा भी है कि आने वाले समय में सारे काम रोबोट करेंगे, तो आप लोग क्या करोगे? हम सब बेरोजगार हो जाएंगे, अच्छी बात है, कोई काम नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और प्रचार। तो लोग बहाना देते हैं, प्रभु जी हमको बहुत काम है, ये करना है, वो करना है, तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारे सारे बहाने खत्म हो जाएगा, मैं रोबोट बना देता हूँ, सारा काम रोबोट करेगा, आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है? हरिनाम और प्रचार बस। तो बाकी जिसको कहते ये करना वो करना सब मशीन कर सकती है, केवल एक चीज है मशीन नहीं कर सकती है, क्या क्या? भक्ति।
है, भक्ति हमें करना है और इसी के लिए भगवान ने हमको बनाया है। एडवांसमेंट देखिए इतना क्या क्या बना दिया, देखिए वैज्ञानिकों ने डिफेंस सुरक्षा के लिए, लेकिन ये एक साइड है। इफ यू हेयर ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी यू हैव नो अंडरस्टैंडिंग एट ऑल। व्हेन लिसनिंग टू बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी यू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द हिडन ट्रूथ एंड रियलिटी दैट्स द साइड यू वॉन्ट हियर। तो हम एक तरह का सुनते रहते, एक तरफ से ये बन गया वो बन गया, ये मिसाइल बन गया, ये टेक्नोलॉजी आ गई वो टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन एक इसका दूसरा साइड भी है जो कि हमें सुनना चाहिए। दूसरा साइड बिटर ट्रूथ, द ट्रूथ मे हर्ट फॉर ए लिटिल वाइल बट ए लाई हर्ट्स फॉर एवर, बेटर टू बी स्लैप्ड विद द ट्रूथ देन क्रिश्ड विद ए लाई। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू बी स्लैप्ड विद द ट्रूथ? Yes, so today we will slap, you know, we will slap, let us slap ourselves with the truth. What is the reality? Can anyone see here truth? Can anyone of you see here truth? Where is truth? ध्यान से देखिए कितने लोगों को स्क्रीन पे ट्रूथ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, हाथ उठाइए। Unfortunately, all of you are wrong. Because there is no truth. There are only lies. There are only lies arranged in such a way that it appears that it is truth. ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए भगवद गीता का लेंस लगाकर, तो आपको केवल झूठ ही झूठ नजर आएगा, जिसको संसार में सत्य बताकर प्रोपेगेंडा के तहत ग्लैमराइज करके हमारे सामने परोसा जा रहा है सत्य के रूप में, वो वास्तव में क्या है? झूठ है। लियोनार्डो द विंची क्या कह रहे हैं यहां पे? द ग्रेटेस्ट डिसेप्शन मेन सफर इज फ्रॉम देयर ओन ओपिनियंस। लोग ऐसी धारणा बना लेते हैं, और धारणा कि हम एडवांस कर रहे हैं, और उसी के फॉल्स झूठा धारणा बनाकर उसी धारणा पे पूरे जीवन चलते रहते हैं, मरते रहते हैं, दुखी रहते हैं, और उनको समझाया जाए तो क्रोध करते हैं, समझाने पर क्रोध करते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश आता है तो बुद्धि उल्टी हो जाती है। तो रियलिटी ये है कि क्वालिटी ऑफ मशीन्स आर इंक्रीजिंग बट क्वालिटी ऑफ ह्यूमंस आर डिक्रीजिंग। आप देखो एल्कोहल कंजम्पशन इन इंडिया, इंडिया में एक साल में लोग 3,00,000 करोड़ रुपए का शराब पीते हैं। ये है हमारा एडवांसमेंट। कैसा लगा सुन के? नो रिएक्शन। कैसा लगा? 3,00,000 करोड़ रुपया हमको मिल जाए तो कितने बेस खोल दें, कितने विप्लव फेस्टिवल मना दें। हम लोग भगवद गीता बेचने जाते हैं तो पूछते कितने का है, तो हम कहते 120 रुपये का है, बोलते फ्री में दे रहे हैं क्या? शराब खरीद कर पीते हैं, सिगरेट खरीद कर पीते हैं, और गीता उनको क्या चाहिए? फ्री में चाहिए। कितना एडवांसमेंट हो रहा है। शराब पीने से 26 करोड़ साल का नुकसान होता है एक साल में, 26 करोड़ साल का नुकसान होता है एक साल में शराब पीने से, 2,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है हेल्थ खराब होने से, 3,00,000 करोड़ रुपए दीजिए खरीदने के लिए पीने के लिए, और उसके बाद पीने के बाद जो बीमारी होती है उसको ठीक करने के लिए फिर से 2,00,000 करोड़ रुपये लगाइए। कितनी अच्छी बात है। स्मोकिंग, पूरी दुनिया में 134 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं, हम लोग बहुत पीछे हैं, केवल 5,000 बैठे हैं। 134 करोड़ जब हो जाएंगे तब हम मानेंगे कि हम सिगरेट वालों के बराबर पहुंचे हैं। तो
134 करोड़ लोग भारत में, 8 लाख करोड़ रुपए का एक साल में सिगरेट पीते हैं लोग, 27 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं इंडिया में, 15 लाख लोग मरते हैं हर साल, 66 लाख क्राइम होता है इंडिया में एक साल में, पिछले एक साल में 66 लाख क्राइम रिपोर्टेड क्राइम, और भारत में 4,70,000 लोगों के लिए जेल है और 5,20,000 कैदी ऑलरेडी जेल के अंदर है, मंदिर खाली रहते हैं, जेल हाउसफुल, ये है भारत, आजाद भारत, विकसित भारत, विकासशील भारत है, क्या ख्याल है? आर वी एडवांसिंग? नो, ये आपके कल की पुराण से लिया हमने, आपकी स्क्रीन पे यूपी कॉप एलिजेडली रेप्स मदर ऑफ रेप सर्वाइवर अरेस्टेड आफ्टर एनालिसिस ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ऑफ 2015-16 लाइव मेंट रिपोर्टेड दैट ओवर 99.1% ऑफ केसेज ऑफ रेप गो अनरिपोर्टेड इन इंडिया, कितना 99.1% तो रिपोर्ट ही नहीं होता है और जितना रिपोर्ट होता है वही हालत खराब कर देता है। तो जो एडवांस कंट्री है वही पे सबसे ज्यादा रेप्स हो रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। आउटरेज अगेंस्ट चिल्ड्रेन आर ग्रोइंग डे बाय डे, यू कैन सी द ग्राफ, बच्चों के खिलाफ, बच्चों के प्रति जो अपराध है वो बढ़ते जा रहे हैं समाज में, इससे पता चल रहा है कि कितने बहादुर लोग हो रहे हैं कि बच्चों से लड़ रहे हैं आजकल। 4.5 करोड़ केस पेंडिंग में है अदालत में, सोचिए, तब अभी जेल जो है हाउसफुल है, रियलिटी है कि जानबूझ के केस सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि अगर केस सॉल्व हो गया तो जेल में जगह होगा तब तो डालेंगे, जेल में जगह है ही नहीं, तो अगर केस सॉल्व कर भी दिया तो कहां से डालेंगे जेल में, इसलिए सरकार बोलती है घर पे ही बैठे रहो, क्राइम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करप्शन बढ़ रहा है। क्या लिखा है यहाँ, इंडिया जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, जाता जहाँ सत्य अहिंसा नेम धर्म का पग पग लगता था डेरा, वो भारत नंबर वन हो गया मेरा करप्शन में, है सुसाइड्स 10 लाख 2.5 लाख सुसाइड इंडिया में, इंडिया लॉस्ट मोर पीपल टू सुसाइड देन टू कोरोना वायरस इन 2020, सो शाइनिंग ब्राइट आउटसाइड स्पॉइल्ड रॉटेन इनसाइड, सी द रिफ्लेक्शन ऑफ योर सोल, बींग प्योर बोथ वेज शुड बी योर गोल। पौने 6 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार है, इंडिया इज द नंबर वन इन द वर्ल्ड इन डिप्रेशन, 5.7 करोड़ पीपल। पॉर्नोग्राफी, डिस्पाइट बैन ऑन सेवरल वेबसाइट्स, इंडिया लीड्स पॉर्न कंजप्शन ऑन स्मार्टफोन्स इन 2019, नंबर वन पे है इंडिया, बैन लगाने के बावजूद इंडिया नंबर वन पे, सोचिए बैन हटा दिया है तो कहां चला गया। सो आर वी एडवांसिंग? एडवांसिंग बट इन रॉन्ग डायरेक्शन। सो वाई बैन, बैन क्यों लगाया गया? उत्तराखंड हाई कोर्ट ऑर्डर्स स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ बैन ऑन पॉर्न साइट्स आफ्टर देहरादून गैंग रेप केस। देहरादून में गैंग रेप हुआ स्कूल में, और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि बच्चों ने पॉर्नोग्राफी देखने के बाद गैंग रेप किया। हाई कोर्ट को पता चला तो पॉर्न वेबसाइट्स पे बैन लगा दिया हाई कोर्ट ने पूरे इंडिया में, लेकिन बैन लगाने के बावजूद इंडिया नंबर वन है, जस्ट थिंक, कहाँ चला गया भारत, कहाँ जा रहा है भारत है? छत्तीसगढ़ हॉरर फ्यूल्ड बाई पॉर्न फिल्म्स 7 इंक्लूडिंग 6 माइनर कजिन्स रिपीटेडली रेप 8 ईयर ओल्ड गर्ल। डेंजरस रिलेशनशिप बिटवीन पॉर्नोग्राफी मिसोगिनी एंड रेप,
रिसर्च बताता है कि शेयर हाइट फाउंड दैट ऑफ द मेन हु रेड पोर्नोग्राफिक मैगजीन्स 67% एडमिटेड दैट दे हैड वांटेड टू रेप ए वुमेन व्हाइल ओनली 90% सेड दैट दे हैड नेवर वांटेड टू रेप ए वुमेन। रिसर्च रिपोर्ट बताता है कि पोर्नोग्राफी देखने से क्राइम बढ़ रहा है। इट हैज रिलेशनशिप। एनिमल किलिंग 20 crores 20 करोड़ जानवर रोज कत्ल किए जाते हैं धरती पर। कितने कितने 20 करोड़ जानवरों की आह किसके ऊपर जाएगी? मानव सभ्यता को इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा अगर समय आते नहीं सुधरे। डाइवोर्स देखिए कितनी तेजी से बढ़ रहा है। डाइवोर्स इंडिया में दिस इज द ग्राफ 2021 तक का लोनलीनेस। सो आवर साइंटिफिक पावर हैज आउटरन आवर स्पिरिचुअल पावर। वी हैव गाइडेड मिसाइल्स एंड मिसगाइडेड पीपल। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? क्या ज्यादा जरूरी है, गाइडेड मिसाइल या गाइडेड पीपल? जोर से बोलिए, गाइडेड पीपल। बट आर वी प्रोड्यूसिंग गाइडेड पीपल? आवर एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है अच्छे लोग नहीं बना रहा है, अच्छी मशीन बना रहा है, मशीन गन। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिंदूज आर नॉट सेफ इन देयर ओन लैंड। दिस इज द ट्रूथ। और नथिंग इज सरप्राइजिंग, कोई आश्चर्य नहीं है ये जो हो रहा है, ये आश्चर्य नहीं है, क्योंकि शास्त्र ने पहले से शास्त्रों ने बता दिया कि ऐसा ही होगा। क्या होगा, क्या होगा बोलिए, ऐसा ही होगा। यस, शास्त्रों में बताया है। क्या कलयुग के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन है। क्या करें, सिंधु नदी का तटवर्ती भाग तथा चंद्रभागा, कौंती एवं काश्मीर के जनपद शूद्रोपतित ब्राह्मणों और मांसाहारियों के द्वारा शासित होंगे। वे वैदिक सभ्यता के मार्ग को त्याग कर समस्त आध्यात्मिक शक्ति खो चुकेंगे। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 1 अध्याय का 37वां श्लोक। क्या करें, वैदिक सभ्यता के मार्ग को त्याग कर समस्त आध्यात्मिक शक्ति खो जाएंगे लोग कलयुग में, ऐसा स्थिति आएगा। हे राजा परीक्षित, एक ही समय शासन करने वाले ऐसे अनेक असभ्य राजा होंगे और वे सब के सब दान नहीं देने वाले अत्यंत क्रोधी तथा अधर्म और असत्य के महान भक्त होंगे। किसके भक्त होंगे राजा? कृष्ण के नहीं, इस्कॉन के नहीं, किसके? असत्य और अधर्म के महान भक्त होंगे राजा लोग। ये बर्बर लोग राजा के बेस में निर्दोष स्त्रियों, बच्चों, गऊ, ब्राह्मणों की हत्या करके तथा अन्य पुरुषों की पत्नियों को लुभा कर तथा संपत्ति को लूट करके सारी प्रजा का भक्षण कर जाएंगे। उनका स्वभाव अनियमित होगा, उनमें चरित्र बल नहीं के बराबर होगा, वे अल्पायु होंगे। निसंदेह किसी वैदिक अनुष्ठान से शुद्ध न होने तथा विधि विधानों के अभाव में वे राजा रजोग तथा तमगुणों से पूरी तरह प्रसन्न होंगे। इन निम्न जाति का राजाओं द्वारा शासित प्रजा अपने शासकों के चरित्र, आचरण तथा वाणी के अनुकरण करेगी। वे लोग अपने नायकों से तथा एक दूसरे से सताए जाकर विनष्ट हो जाएंगे। तो राजा ऐसे होंगे तो प्रजा भी वैसी होगी, जैसी राजा वैसी प्रजा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, तब कलयुग के प्रबल प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन घटते जाएंगे। कलयुग में एकमात्र संपत्ति को ही मनुष्य के उत्तम जन्म, उचित व्यवहार तथा सद्गुणों का लक्षण माना जाएगा। कानून तथा न्याय तो मनुष्य के बल के अनुसार ही लागू होंगे। पुरुष तथा स्त्रियां केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे। व्यापार की सफलता कपट पर निर्भर करेगी। पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व का निर्णय काम शास्त्र में उनकी निपुणता के अनुसार किया जाएगा और ब्राह्मणत्व जनेऊ पहनने पर निर्भर करेगा। मनुष्य के आध्यात्मिक पद मात्र बाह्य प्रतीकों से सुनिश्चित होगा और इसी आधार पर लोग एक आश्रम छोड़कर दूसरे आश्रम को स्वीकार करेंगे। यदि किसी की जीविका उत्तम नहीं है तो उस व्यक्ति का औचित्य में संदेह किया जाएगा और जो चिकनी चुपड़ी बातें बनाने में चतुर होगा वह विद्वान पंडित माना जाएगा। बोलिए हरि बोल। कैसा लगा?
कलयुग का वर्णन सुन के अच्छा लगा? ये होगा, क्या होगा? ये होगा, ये तो सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि होगा, लेकिन हमारे लिए हो रहा है। यदि किसी के व्यक्ति के पास धन नहीं है तो वह अपवित्र माना जाएगा और दिखावे के गुण मान लिया जाएगा। विवाह मौखिक स्वीकृति के द्वारा व्यवस्थित होगा। कोई भी व्यक्ति अपने को जनता के बीच आने के लिए योग्य समझेगा और यदि उसने केवल स्नान कर लिया हो। तीर्थ स्थान को दूरस्थ जलाय से और सौंदर्य को मनुष्य की केश सज्जा पर आश्रित माना जाएगा। उदर भरण जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। जो जितना ढीठ होगा उसे उतना ही सत्यवादी मान लिया जाएगा। तो आप में से कितने लोग सत्यवादी बनना चाहते हैं? तो आपको बस एक काम करना पड़ेगा कलयुग में सत्यवादी बनने के लिए, क्या? ढीठ बनना पड़ेगा। रेडी? नो। जो व्यक्ति परिवार का पालन पोषण कर सकता है वह दक्ष समझा जाएगा। धर्म का अनुसरण मात्र यश के लिए किया जाएगा। इस तरह ज्यों ज्यों बोलिए, ज्यों ज्यों त्यों त्यों। सो ज्यों ज्यों पृथ्वी भ्रष्ट जनता से भरती जाएगी, त्यों त्यों समस्त वर्णों में से जो अपने को सबसे बलवान दिखला सकेगा वह राजनैतिक शक्ति प्राप्त करेगा। राजनैतिक शक्ति मतलब क्या? पॉलिटिकल पावर। जनता ऐसे लोभी तथा निष्ठुर शासकों द्वारा जिनका आचरण सामान्य चोरों जैसा होगा अपनी पत्नियां और संपत्ति छीन लिए जाने पर पर्वत तथा जंगलों में भाग जाएगी। अकाल अत्यधिक कर सताए हुए लोग पत्तियां जड़ मांस जंगली शहद फल फूल तथा बीज खाने के लिए बाध्य होंगे। सूखे से पीड़ित होकर वे पूर्णतः विनष्ट हो जाएंगे। जनता को शीत वात तपन वर्षा हिम से अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ेगा। लोग आपसी झगड़ों भूख प्यास रोग तथा अत्यधिक चिंता से भी पीड़ित होते रहेंगे। युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है, कहाँ हो रहा है? यूक्रेन में हो रहा है। मनुष्य की अधिकतम आयु 50 वर्ष हो जाएगी इस प्रकार से। तो ये तो हो गया प्रॉब्लम। शास्त्र क्या बता रहे हैं? जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं ये सारे प्रॉब्लम्स पहले से ही शास्त्रों में बता दिए गए हैं। लेकिन एक खुशी की बात है, गुड न्यूज टू ऑल ऑफ यू। गुड न्यूज सुनना चाहते हैं? गुड न्यूज ये है, बैड न्यूज तो अभी आपको सुना दिया कि ये हो जाएगा वो, लेकिन गुड न्यूज भी बताया है शास्त्रों में। गुड न्यूज क्या है ये देखिए, गुड न्यूज आपकी स्क्रीन पे गुड न्यूज है कि इसी कलयुग में श्रील प्रभुपाद जी आएंगे। दैट इज गुड न्यूज। बोलिए हरि बोल। यस, इसी कलयुग में कौन आएंगे? श्रील प्रभुपाद जी। इसी कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे, ये भी लिखा हुआ है। और इसी कलयुग में श्रीमद् भागवत आएगा, प्रकट होगा। कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी स कलौ नष्ट दिशा में सा पुराण को धुनो दितो। ये भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशवान है। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान में गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। और कलयुग में भगवान श्री कृष्ण अक्षात श्रीमद् भागवत पुराण के श्लोकों के रूप में विराजमान रहेंगे। कलिर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम रति। हे राजा, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है। क्या? केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। तो सॉल्यूशन समझ में आया? गुड न्यूज क्या? हरि नाम और श्रीमद् भागवत। जो फल सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से, द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से प्राप्त होता है वही कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिरन्यथा। बृहद नारदीय पुराण के अनुसार भगवान का नाम एकमात्र तरीका है कलयुग में भगवत प्राप्ति का।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। और इसी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु भी आएंगे, ये भी प्रेडिक्शन है। इसी कलयुग में इस्कॉन होगा और इस्कॉन प्रचार करेगा, ये भी प्रेडिक्शन है, सब शास्त्र में बताया गया है। प्रॉब्लम भी और सोल्यूशन भी, जानना चाहते हैं कहाँ बताया गया इस्कॉन के बारे में? आपको ब्रह्म विवर्त पुराण से बताऊंगा, है ना, द गोल्डन एज प्रेडिक्शन इन ब्रह्म विवर्त पुराण, श्री कृष्ण जन्म खंड चैप्टर 129 वर्स नंबर 49-60। ब्रह्म विवर्त पुराण पढ़ा है आप लोगों ने? कितने लोगों ने पढ़ा है? कितने लोगों ने देखा है? ओके सामने लिखा है, देख लीजिए नहीं तो एटलीस्ट हेड पेज। ओके तो ब्रह्म विवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के 129वें अध्याय के श्लोक संख्या 49-60 में क्या बताया गया, ध्यान से सुनिए। गेटिंग अपसेट विद द फीवर ऑफ सेपरेशन, हर आईज फिल्ड विद टीयर्स, द गंगा स्पोक टू लॉर्ड कृष्णा वाइल क्राइंग। जब भगवान श्री कृष्ण इस धाराधाम पे अपनी लीला समाप्त करके वापस जा रहे थे तो माँ गंगा भगवान श्री कृष्ण के पास आई, उनके चरणों में गिर पड़ी, आँखों में अश्रु थे, विरह के व्यथा से पीड़ित होकर माँ गंगा रो रही थी। माँ गंगा ने कहा, हे प्रभु, यू आर नाउ प्रोसीडिंग टू गोलोक, आप अब गोलोक जा रहे हैं, आपके जाने के बाद मेरी स्थिति क्या होगी? कलयुग आने वाला है, कलयुग में बहुत खराब स्थिति हो जाएगी, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? सोचिए, गंगा माता चिंतित हैं कि कलयुग आने वाला है, मेरा क्या होगा। हे नाथ रमण श्रेष्ठ यासी गोलोकम उत्तमम अस्माकम का गतिश्चात्र भविष्यति कलौ युगे, हमारी क्या गति होगी? भगवान कहते हैं, सुनना चाहते हैं क्या कहते भगवान? कले पंच सहस्राणी, बोलिए, वर्षाणी तिष्ठ भूतले, पापानी पापी नो जानी, तुभ्यम दास्यन्ति स्नानत। The blessed Lord said, on the earth 5,000 years of Kali will be sinful and sinners will deposit their sins in you by bathing. ये पहला 5 साल जो कलयुग का होगा वो बहुत पापों से भरा हुआ होगा, सारे पाप आके आप में स्नान करके अपना सिन, आप अपना पाप जो है आपके अंदर जमा करेंगे अकाउंट में। उसके बाद क्या होगा? Thereafter, by the sight and touch of those who worship me by my mantra, all those sins will be burnt. कुछ लोग आएंगे, ऐसे लोग जो मुझे पूजा करेंगे, मेरी पूजा करेंगे और मेरे मंत्र का जप करेंगे। क्या करेंगे? मेरे मंत्र का जप करेंगे, मेरी पूजा करेंगे। और ऐसे भक्त लोग जब आकर आपके अंदर स्नान करेंगे तो वो पाप नष्ट हो जाएंगे। हरेर्नामानि जत्रैव पुराणानि भवन्ति हि, तत्र गत्वा सावधानमाभि सार्धं च श्रोष्यसि। देयर विल बी चैंटिंग ऑफ द नेम ऑफ हरि, भगवान हरि के नाम का जप होगा एंड रीडिंग ऑफ भागवत पुराण होगा, भागवत पुराण पर चर्चा होगी, लोग हरिनाम करेंगे। रीचिंग सच ए प्लेस अटेंटिवली हियर, सिनफुल रिएक्शंस इंक्लूडिंग द किलिंग ऑफ ए ब्राह्मण कैन बी नलिफाइड बाय हियरिंग द पुराण श्रीमद् भागवतम एंड चैंटिंग ऑफ द नेम्स ऑफ हरि इन द मैनर्स ऑफ डिवोटीज। जस्ट एज ड्राई ग्रास इज बर्न बाय फायर बाय द एम्ब्रेस ऑफ माई डिवोटीज, ऑल सिंस आर बर्न। जैसे आग में घास डालने से घास जल जाती है, उसी तरह से मेरे भक्त जब गले लगाते हैं किसी को तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ओ गंगेज, द होल प्लैनेट विल बिकम ए पिलग्रिमेज साइट बाय द प्रेजेंस ऑफ माय डिवोटीज, इवन दो इट हैड बीन सिनफुल। पूरा प्लैनेट अर्थ क्या हो जाएगा? तीर्थ स्थान बन जाएगा। बोलिए हरि बोल।
कैसे बन जाएगा? मेरे भक्तों की उपस्थिति से. इन द बॉडी ऑफ माई डिवोटीज रिमेन्स एटर्नली द प्यूरिफायर मदर अर्थ बिकम्स प्योर बाय द डस्ट ऑफ द फीट ऑफ माई डिवोटीज. ऑल द होली प्लेसेज फॉर 10,000 ईयर्स. क्या लिखा है? कलेर दस सहस्राणी मद भक्ता संति भूतले. और ये प्रचार जो होगा हरिनाम और श्रीमद भागवत का कितने साल तक होगा? 10,000 साल तक चलेगा. बोलिए हरि बोल. फॉर 10,000 ईयर्स ऑफ कली ऐसे भक्त क्या करेंगे? मेरे ऐसे भक्त पूरे पृथ्वी को भक्तों से भर देंगे. आफ्टर द डिपार्चर ऑफ माई डिवोटीज देर विल बी ओनली वन वर्णा. और उसके बाद जब मेरे भक्त चले जाएंगे 10,000 साल के बाद, तो फिर सारे लोग शुद्र हो जाएंगे और पृथ्वी जो है उसको कलयुग अपने सिकंजे में कस लेगा. और इस प्रकार से कहते हुए भगवान श्री कृष्ण चले गए. अब ध्यान से सुनिए, प्रभुपाद जी से रामेश्वर स्वामी ने पूछा था यही प्रश्न. क्या पूछ रहे हैं ध्यान से सुनिएगा. First thing I was told is that Lord Chaitanya's movement in this age will, like a moon, rise for 10,000 years. I was told that number, 10,000 years. Is that true? Hmm. And then after that, they His movement will go for 10,000 without any impediment. Yeah. Srila Prabhupada ji, kya jawab diye? Aap sun paaye? प्रभुपाद जी बोले, दिस मूवमेंट विल गो फॉर 10,000 ईयर्स विदाउट एनी इम्पेडिमेंट. इट इंक्रीजेज, यू शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी, यू वर्क सिंसियरली, इट विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज, मेनी फॉलन सोल्स विल बी डिलीवर्ड बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड. In a room conversation in London on 22nd July 1973 with Dr. Arnold Toynbee, the famous historian Srila Prabhupada said, for 10,000 years the Krishna consciousness movement will increase. Srila Prabhupada's purport to the Sri Chaitanya Charitamrita Antalila chapter 3 text 50, the Krishna consciousness movement, boliye, will be prominent within the next 10,000 years. श्रीमद भागवत के प्रपट में प्रभुपाद जी करें, इट इज ऑल्सो सेड दैट फॉर 10,000 ईयर्स दिस एरा विल कंटिन्यू. एंड देन प्रेडिक्शन अबाउट लॉर्ड चैतन्य वाई पुराण में बताया गया श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में. एंड देन प्रभुपाद क्या करें यहाँ? पृथ्वी ते आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम. This is the prediction of Lord Chaitanya. Prithivite ache jato nagaradi gram sarvatra prachar hoibe mor naam. Prithivite means on the surface of the world. Prithivite ache, there are jato, as many. Prithivite ache jato nagaradi towns, gram, villages. Prithivite ache jato nagaradi gram. As many towns and villages there are on the surface of the globe. Sarvatra prachar haive morna. Lord Chaitanya said, everywhere people will know my name. This is the prediction of Lord Chaitanya. Now, after 500 years have passed, that opportunity has come. So your responsibility is very great. I am old man,
75, a few months after early 75. So I can pass away any moment. But the legacy which I am giving to you, you have to execute. That's your duty. And you have to create so many sincere devotees who will go from village to village, town to town, and establish center. Center is required. Just like here in Los Angeles, we are trying to establish a nice center. So Krishna has given us the opportunity. We have got a very nice place, such a nice temple, such nice devotees, and sincere worker, such kind of temples and workers required everywhere. But it is not at all difficult. That you have experienced. I came here empty-handed, just gambling, that's it, transcendental gambling. I thought, let me go and take a chance. There was no possibility, because as soon as I will say the four restrictions, all of them will go out. But Krishna is so kind that he has given me the assistance of so many nice boys and girls. So I am very much thankful to you that you are helping and cooperate. So Krishna will bless you. And my Guru Maharaj will be very much pleased upon you. So you continue this cooperation. Don't stop it. So, Srila Prabhupada ke shabdon mein suna aap sabne? So are you ready? Are you ready? So Prabhupada ji kya bole? Ki my Guru Maharaj will bless you. So Prabhupada ji bol rahe ki it's not difficult. No? It was very difficult. I thought, but it is not difficult. And blessing of Srila Prabhupada and whole Guru Parampara हमारे साथ है, ठीक है? प्रभुपाद जी ने बोला, उनके शब्दों में मैंने आपको सुनाया ताकि आपको एनर्जी मिल सके. प्रभुपाद बोल रहे कि सबकी आशीर्वाद हमारे साथ है, हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, हमें क्या करना है? चाहना है. क्या करना है बोलिए? चाहना है, चाहना, डिजायर करना है, डिजायर, दैट्स ऑल. एंड एंडेवर विथ फेथ. तो 2022 आपके हथेली में है और नेक्स्ट 2023 आने वाला है, है? तो क्या देखना चाहते हैं? सो लेट अस ट्राई, यू नो, जितने प्रॉब्लम्स हमने चर्चा किए हैं. तो प्रभुपाद जी यहाँ क्या कह रहे हैं देखिए, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य चैप्टर 26, द मिशनरी गोल ऑफ ए डिबोटी इज टू कन्वर्ट सिंपली वन पर्सन इनटू ए प्योर डिबोटी. इन दिस वे हिज एडमिशन टू द स्पिरिचुअल किंगडम इज गारंटीड. तो गारंटी चाहिए तो हमें ये काम करना पड़ेगा. ईच वन Preach one, double it every year, together everyone achieves more. 2020 में हमने टारगेट रखा था 1000 का, and then we did it online because कोरोना चल रहा था,
सो हमने 1000 भक्तों के लिए भी प्लॉग किया था 2021 में, 2000 लास्ट ईयर वृंदावन में किया, एंड नाउ इन 2022 हमने टारगेट किया था 4000. इज इट क्लियर? इज इट ओके? याद है? तो 4000 टारगेट किया था. तो हमारे कोस्टोक ऐप में भी 6000 डिवोटीज एनरोल्ड हैं, जिसमें से लगभग 4000 to 5000 डिवोटी यहाँ हैं. कुछ नहीं आ पाए एग्जाम्स के कारण, कुछ इश्यूज के कारण. सो 70-75% डिवोटी यहाँ पे हैं, बट एक्चुअली वी हैव रीच्ड आवर टारगेट बाय द ब्लेसिंग ऑफ बोलिए, जोर से बोलिए, इतने जोर से. पीछे वाले, हाँ, शिल प्रभुपाद जी की आशीर्वाद से अभी तक हमने इतना पहुँचे. नाउ आवर नेक्स्ट माइलस्टोन इज 2023. आर यू रेडी? बाई 2023 यू हैव टू रीच 8000. दैट इज द एक्चुअल, बट टू ब्रिंग 8000 यू हैव टू गो टू 10000. इसलिए अगली बार अगर आप 10000 टारगेट रखोगे तो 8000 आएंगे, है कि नहीं? तो कैसे होगा ये, कैसे होगा? इसका मंत्र क्या है? मंत्र ये है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उसमें से आप में से कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा. और क्या लेना पड़ेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी. बोलिए, क्या लेना पड़ेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी. आर यू रेडी? ओके. तो आप में से कितने लोग आगे आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं? हाथ उठाइए. वेरी गुड, थैंक यू सो मच. सो वी विल स्टॉप हियर. आप लोग जब तैयार हैं, जब भक्त लोग तैयार हैं, और भगवान तो पहले से ही तैयार हैं, जब भक्त तैयार हैं, भगवान तैयार हैं, तो फिर किस बात का इंतजार है? सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग पेइंग योर अटेंशन टू दिस प्रेजेंटेशन. सो नाउ आई विल स्टॉप हियर. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब भक्त हेल्प करेंगे और अगले साल हम इससे भी बड़ा विप्लव करेंगे 10000 लोगों के साथ श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए. हरे कृष्ण.